अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज डेल्फा का तीसरा दिन और माशाल्लाह आज जो है ना रश पहले दो दिनों से भी ज़्यादा लगा हुआ है। पार्किंग जो है फुल हुई हुई है और लोग जो है ना जोक दर जोक जो है जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं। अभी हम लोग भी अंदर एंटर हो रहे हैं, अंदर चल के आपको जो है ना इसकी सारी सिचुएशन से आगाह करते हैं कि आज मतलब कि किस तरह से यहाँ पे मतलब चल रहा है शो जी। पार्किंग इसकी फुल हुई हुई जो चेक करें, माशाल्लाह पार्किंग है जो है ना फुल हुई है। यहाँ पे भी इस तरफ आज जो है ना अंदर बहुत रश होगा, पाँव रखने की जगह भी नहीं होगी। ये जी बुल बासित भी यहाँ पे फिर रहा है, इसको हमने दो तीन दफा कहा है वीडियो बनाने का, मगर जो है ना इन्होंने तो भाई कोई रिस्पांस नहीं दिया। खैर कोई मसला नहीं है, असल भाई की यहाँ पे रिश्तेदारी निकल आई है किसी के साथ। ये जी दो दिन लोगों ने जो अपना माल मतलब यहाँ पे शो करवाया वो अब लेके जा रहे हैं और उसकी जगह जो है ना दूसरा माल यहाँ पे ला के खड़ा करेंगे ताकि जो है ना शौकीनों को अपना सारा माल दिखाया जा सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज डेल्फा का तीसरा दिन और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से लोग बड़े उसके साथ जुनून के साथ आ रहे हैं। ये चेक करें, ये भाई के पास दुम्बे हैं कोई अदर कंट्री के, तो यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा लोगों का जो है ना एक रश लगा हुआ है। चला जो है ना आज सही रौनक लगी हुई, आज तीसरा दिन है और आज जो है ना यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड भी आएंगे जो कि 4 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह, उनकी भी जो है ना वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी अमानी भाई का सवाल है, ये तो माशाल्लाह जो है ना जब से ओपनिंग हुई है डेल्फा की 2-3 दिन से जो है ना यहाँ पर रश नहीं ख़त्म हुआ। ये अमानी भाई का स्टॉल है, अमानी भाई के कैटल फार्म का नाम है क्रीम कैटल फार्म। तो जी लोग जो है ना माशाल्लाह बड़ी जुनून और जज्बे के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये भोलू कैटल फार्म है, ये उनका माल यहाँ पे डिस्प्ले है। ये भी आज जो है ना तब्दील कर दिया गया है, पहले 2 दिन दूसरा माल इन्होंने दिखाया और आखिरी 2 दिन जो है इनका कहना था कि हम माल चेंज करेंगे और उसके मुताबिक ये भी अपना माल जो है ना तब्दील कर चुके हैं। पहले यहाँ पे काला और प्रिंट वाले बछड़े खड़े थे, अभी जो है ना सारी मेरे ख्याल से बछड़ियाँ लेके आए हैं ये जी। ये भी भोलू कैटल फार्म है, ये उन्हीं का ही माल है, यहाँ पे भी खड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये इन्होंने अपने बैठने का यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। झांगड़ा गोट फार्म है, जिनके बकरे जो है ना माशाल्लाह कल सारे सेल हो चुके हैं, 20-20 लाख रुपए का जो है ना एक बकरा इनका सेल हुआ है माशाल्लाह से। इनके बकरों की जो पलाइयाँ है ना एंड है माशाल्लाह। यहाँ पे भी है मूसा एंड ब्रदर्स के नाम से इनका है जी गोट फार्म। इनके पास ये है तुम्बे हैं, बकरे हैं माशाल्लाह, इनकी भी बड़ी अच्छी पलाइयाँ हुई हुई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यार सब ने जो है ना खूब मेहनत की है डेल्फा के लिए। अभी थोड़ा जो है ना दिन का टाइम है 4-5 बजे का, तो अभी जो है ना लोग थोड़े से कम हैं, उतने नहीं हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, मगर जो है ना जैसे जैसे यहाँ पे सूरज जो है वो ढलना शुरू होगा लोगों की जो है ना मजीद जो है ना तादाद में इजाफा होने लग जाएगा। यहाँ पे जो है ना लोग लाखों की तादाद में यहाँ पहुँचेंगे। ये है जी माशाल्लाह साबरी गोट फार्म, ये उनका माल है। यहाँ पे लोगों की भाई मोहब्बत है जानवरों के साथ, कराची वालों की जो है ना मोहब्बत है। ये धूम कैटल फार्म है, जिनका बछड़ा कल जो है ना थोड़ा अग्रेसिव हो गया था, वो बछड़ा में भी इन्होंने जो है ना यहाँ से मतलब निकाल दिया है, उसकी जगह जो है ना कोई और बछड़ा यहाँ पे लेकर आए हैं। हाँ मे भी वो बछड़ा जो है ना यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि उस बछड़े की जो है ना नाक थोड़ी सी जख्मी हो गई थी, वो बछड़ा यहाँ से ये जो है ना ले जा चुके हैं और उसकी जगह कोई और बछड़ा यहाँ पे लेके आए हैं। बहरहाल इनका माल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा माल है इनका भाई साहब। अभी आधे से ज़्यादा लोग जो है ना ये यहाँ पे बाहर मौजूद हैं, जो कि मतलब मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, एग्जीबिशन लगी हुई हैं, जो मतलब उसके ऊपर भी विजिट कर रहे हैं, मगर जो है ना अभी भी बहुत रश है। रात को आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी, फुल जो है ना गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ लगी होंगी और जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी। अभी चलते हैं कुछ और देखते हैं इंटरेस्टिंग, अगर आप लोगों के लिए कुछ नज़र आता है तो वो भी कैप्चर करते हैं। अगर इस साल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है माशाल्लाह अभी भी बहुत रश लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो थोड़े बछड़े हैवी और ए क्लास के जिसे हम गए हैं, तो वो बछड़े जो है ना यहाँ पे ही मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरती कैटल फार्म और बड़े बड़े जो फार्मर है ना उनके स्टॉल जो है ना यहाँ पे ही लगे हुए हैं, इसलिए जो है ना यहाँ पे बछड़े भी अच्छे हैं जाहिर सी बात है, और लोग भी जो है ना यहाँ पे ही ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आ रहे हैं।
भाई इतना रश, इतना रश जो है ना किसी भी एग्जीबिशन के ऊपर नहीं देखा पहले जितना के यहाँ पे लोगों के अंदर। यार इतना क्रेज है कराची वालों के अंदर कि ना बस एंड है, एंड पूरा पाकिस्तान एक तरफ और कराची वाले शौक के अंदर, जानवरों के शौक के अंदर एक तरफ। कराची वालों ने जो है ना दिल जीत लिया, इतना रश और इतनी जानवरों से मोहब्बत है इन लोगों को के पास भाई साहब। और जानवर भी देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत इन्होंने तैयार किए हैं। अच्छा ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे सबकी अच्छी हैं, मगर लोग डिसाइड करते हैं कि किसका माल सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो जहाँ पे अच्छा माल होता है रश भी जाहिर सी बात है वहाँ पे ही होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कुछ स्टॉल जो है ना यहाँ पे मतलब के खाली भी हैं, उसमें भी यहाँ से लोग देख के आगे जा चुके हों, मगर जो है ना आगे जो है मतलब के बछड़े वो प्यारे भी हैं। ये हारिस भाई यहाँ से मतलब गुजर रहे हैं, हारिस भाई जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ पर जो है ना लोगों का मजमा लग जाता है। हारिस मिठानी साहब का जो है यहाँ से वो क्या नाम है प्रोटोकॉल गुजर रहा है जी। अच्छा जी पार्ट टू के अंदर अगर एंटर हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से माहौल है। यहाँ पे रश जो है ना बल्कि यहाँ पे भी काफी रश है आगे करके लगा हुआ। डी कैटल फार्म का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ, जैसा कि कल आपको दिखाया था कि इनका ये एक बछड़ा जो है सेल हो गया, मगर आज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक ये वाला बछड़ा भी इनका सेल हो चुका है। उसके बाद एक आगे बछड़ा खड़ा हुआ है बल्कि आगे, हाँ आगे एक ये बछड़ा ये भी सेल हो चुका है माशाल्लाह। इनके अभी तक जो है ना तीन बछड़े सेल हो चुके हैं डी कैटल के, ये भी सेल हो गया माशाल्लाह से। अभी तक इनके चार बछड़े बड़े जो थे वो सेल हो चुके हैं। जी डी कैटल फार्म से चार बछड़े अभी तक सेल हो चुके हैं। ये डी कैटल फार्म है, इनके माशाल्लाह चार बछड़े सेल हो चुके हैं। अच्छा जी ये मदारियात वालों के जिनके पहले यहाँ पे घोड़े मौजूद थे, ये कल इनके जो है ना रात को बछड़े भी यहाँ पे उतरे, इनके बछड़े आपको दिखाते हैं माशाल्लाह जी। इनके बछड़े बहुत खूबसूरत बछड़े हैं, ये आज इनके बछड़ों को जो है ना पहला दिन है माशाल्लाह, बहुत बछड़े हैं माशाल्लाह इनके माशाल्लाह, बहुत अच्छे बछड़े इन्होंने पाले हैं। जैसा कि शाम हो गई है, लाइटें वाइटें चल गई हैं और लोग भी है जो है ना मज़ीद आने लग गए हैं यहाँ पे माशाल्लाह, रश बहुत हो गया यहाँ पे। अभी तो जब ये जो है ना फुल अंधेरा होगा ना मतलब 7-8 बजे, तब जो है ना यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी। बहुत रश यहाँ पे होगा, कल भी यहाँ पे बहुत रश था। लोग जानवर देख रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं यहाँ पे। जी अभी चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ क्योंकि भूख लग रही है और यहाँ से कुछ खाते हैं, कुछ खा के जो है ना दोबारा फिर अंदर चलते हैं। तो अभी कुछ खाते हैं उसके बाद चलेंगे अंदर। भाई बछड़ों के ऊपर जो है ना वहाँ पे रश है एक तरफ, और ये जो फूड कोर्ट के अंदर रश है ना, ये भाई साहब एक अलग लेवल का रश है। कराची वाले भाई वाकई में बहुत दीवाने हैं खाने के। भाई ये आंटियाँ जो है ना खाने के ऊपर जोर दे के रखा हुआ है इन्होंने, ये चेक करें भाई। एक स्टॉल था जहाँ से कल हमने खाना खाया था, वो मतलब उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अभी ढूंढते हैं उसको किधर है, वहाँ से कुछ खाते हैं उसके बाद जो है ना व्लॉग को दोबारा आगे स्टार्ट करते हैं। बाकी रश जो है ना भाई साहब बहुत रश है। अभी थोड़ा सा अंधेरा होने दें, यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं आप लोगों को नज़र आएगी।